हेलो दोस्तों, आज के वीडियो से मैं आपको बताऊं कि आपको अपने कुकिंग चैनल का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से एकदम परफेक्टली और प्रोफेशनली लिखना चाहिए, जिससे कि आपका वीडियो सर्च से ही नहीं सजेशन से भी आए और आप देख सकते हो मेरे भी सारे टैग रैंक कर रहे हैं इसकी वजह से ही। सो वीडियो को कंप्लीट देखना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरीके कुकिंग चैनल के रिलेटेड नॉलेज आपको मिलते रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं शेफ भरत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आप थंबनेल तो बना लेते हो, टाइटल भी लिख देते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखना है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में टाइटल लिखना है अपना, जो भी लिखा हुआ होगा। तो टाइटल को अपने कॉपी कर ले, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर पेस्ट कर ले। तो अब सबसे पहले टाइटल तो लिख दिया है हमने, अभी टाइटल के जस्ट नीचे हमें तीन हैशटैग लगाने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने तीन हैशटैग लगा दिए, लेफ्ट ओवर रोटी रेसिपी, मक्के की रोटी रेसिपी और थर्ड मैंने मेरे चैनल का हैशटैग डाल दिया है। इसके बाद में अपना खुद का नाम डाले, जैसे कि मैंने लिखा है हाय आई एम भरत कटिक, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शेफ भरत किचन। तो इस तरीके से लिख दे। उसके बाद में अपने वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर ले, जैसे कि मैंने लिखा है अबाउट दिस वीडियो, आज की वीडियो में बना रहा हूँ बची हुई मक्के की रोटी से बहुत ही ईजी और मिनटों में बनने वाला नाश्ता। सो वीडियो को कम्प्लीट देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप अपना वीडियो का थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो। इसके बाद में थोड़ा प्रमोशन के लिए मैंने लिखा है शेयर दिस रेसिपी विद फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन व्हाट्सएप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। इस तरीके से आप भी लिख सकते हो। इसके बाद में आप अपने दूसरे वीडियो का लिंक डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो से थोड़ा सिमिलर होगा वो, या प्लेलिस्ट का भी डाल सकते हो। ज़्यादा लिंक ना डाले, 5 से 6 ही डाले मिनिमम बस। इसके बाद में आप अपने सोशल मीडिया का लिंक दे सकते हो, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का लिंक डाल दिया है। तो आप भी मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकते हो, अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा इजीली। इसके बाद में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग फॉर मोर फॉर फ्री कंटेंट एवरी वीक। और अपना ईमेल भी डाल सकते हो, किसी को आपको कॉन्टेक्ट करना हो ईमेल थ्रू या स्पॉन्सरशिप के लिए भी मोस्टली ईमेल से ही कॉन्टेक्ट करते हैं। इसके बाद में मैंने @ करके 4 से 5 जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका नाम डाल दिया है और लास्ट में अपने खुद के चैनल का @ डाल दिया है। तो इस तरीके से डाल दे। इसके बाद में मैंने टैग्स डाल दिए, आप मिनिमम 3 टैग्स डाल सकते हो और मैक्सिमम 15 डाले, 15 से ज़्यादा ना डाले। यहाँ पर मैंने थोड़े टैग्स डाल दिए और #, करके दो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका नाम डाल दिया है। तो अभी मैं योर क्वेरीज करके जो भी टैग्स है वो डाल रहा हूँ, जैसे कि बची हुई रोटी से क्या बनाए, बची हुई रोटी का नाश्ता। तो ये किस तरीके से आपको सर्च करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको बस यूट्यूब ओपन कर लेना है, उसको सर्च ऑप्शन में सर्च करें बची हुई रोटी का नाश्ता। तो आप बस इतना सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे टैग्स देखने मिल जाएंगे, देख सकते हो इतने सारे। तो बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बस अभी आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर ओपन कर लेना है और उसके अंदर आप सर्च करें कॉपी टैग्स ऑन स्क्रीन। तो आप फर्स्ट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और जो दिख रहा है कॉपी टैग्स ऑन स्क्रीन, इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया, इसका गैलरी ऑप्शन में जाएंगे, जो अभी अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो इसका क्रॉप कर लेंगे जो पार्ट आपको निकालना है, तो यहाँ पर मैंने इतना क्रॉप कर लिया है और इसको ओके कर लेंगे, इसका टिक कर लेंगे। लैंग्वेज आपको इंग्लिश रखना है और इसको ओके कर देना है। जो भी इमेज में टैक्स होगा वो टैक्स ऑप्शन में आ जाएगा। तो आप इसे इजीली कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने भी अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर दिया था। सेकेंड ऑप्शन के लिए आपको वापस यूट्यूब पर सर्च कर ले बची हुई रोटी का नाश्ता। अगर आपको किसी भी वीडियो का टैग जानना है कि उन्होंने अपने टैग ऑप्शन में कौन सा टैग डाला है, बस इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लें और अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके सर्च करें टैग यूट्यूब। बस आपको टैग जो फर्स्ट है टैग्स जो इसके ऊपर ओपन कर लेना है और यहाँ पर गेट टैग्स फ्रॉम रूअल है उसके ऊपर क्लिक कर ले, जो भी आपने लिंक डाली उसे पेस्ट कर ले और बस ओके कर ले। तो वो वीडियो में जो भी टैग्स डाले गए वो आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप नीचे से सेकेंड जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। ये कॉपी हो गया मेरा टैग्स और आप सेम अपने टैग ऑप्शन में आके पूरे पेस्ट भी कर सकते हो। लास्ट में आपको योर सजेशंस लिख के 3-4 वीडियो के टाइटल्स डाल देने हैं आपके सेम टॉपिक पे, जिसपे बहुत सारे व्यूज आए रिसेंटली में। तो वो टाइटल सर्च करने के लिए जस्ट आपको अपने टाइटल को कॉपी कर लेना है, यूट्यूब पर जाके आपको बस वो टाइटल को पेस्ट कर लेने। तो आपको देखना है रिसेंटली में उनके ऊपर ज़्यादा व्यूज आए, तो आप उनका जस्ट टाइटल को कॉपी कर ले और अपने सजेशन में डाल दे। तो बस इसी तरीके से आपको अपने सारे डिस्क्रिप्शन को लिख लेना है।
दोस्तों आज के वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह के कुकिंग चैनल के रिलेटेड नॉलेज आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, सही हो।